जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस के प्रश्नावली 9.5 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, और देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो था, इंस्ट्रक्शन को एक बार फिर देख लें। दिया हुआ है कि 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है। सबसे पहले हमें दिखाना है कि ये जो अवकल समीकरण है, ये अवकल समीकरण समघाती है, और इनमें से प्रत्येक को हल करना यानी समघाती है, तो इसको हल भी करना है। तो समघाती में क्या होता है, तो dy by dx की वैल्यू निकालते हैं और इसमें अंश और हर का घात देखते हैं। अंश और हर का घात बराबर होता है तो अवकल समीकरण समघाती होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ है, x dy माइनस वाई डी एक्स इजक्ल टू अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। हम डी एक्स को एक तरफ कर लें पहले, तो ये हो जाएगा यक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स को हम बराबर के दूसरे तरफ लेके जाएं, तो फिर देखे क्या मिलेगा। ये आपको वाई डी एक्स और प्लस हो जाएगा अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इसमें से डी एक्स हम कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा यक्स डी वाई इजकल टू डी एक्स, कॉमन ले लीजिए, तो वाई प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। और फिर डी एक्स को अगर हम लेफ्ट मिला दें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान यक्स हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि ये समघाती है कि नहीं है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखें अंश का घात और हर का घात देखेंगे, तो यहाँ देखें वाई का घात यहाँ वन है और यहाँ एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर, यानी अंदर घात दो है। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो घात वन हो जाएगा, तो इस प्रकार अंश का घात वन है और यहाँ हर का घात भी वन है। तो यहाँ लिखा जाएगा कि दिए गए अवकल समीकरण में डी वाई बाई डी एक्स के अंश और हर दोनों के घात बराबर हैं, दोनों के घात समान हैं और यह एक के बराबर है, अतः दिया गया अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण है। तो अगर समघाती अवकल समीकरण होता है तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमने मेथड आपको बताया था, y इजकल टू वी एक्स करते हैं और फिर इसका हम अवकलन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, ये हो जाएगा प्रथम फलन दूसरे का अवकलन और धन हो जाएगा दूसरा फलन, फिर पहले का अवकलन हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो देखें यहाँ पर हो जाएगा वी प्लस यक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू, वाई के जगह पे हम रख देंगे वी एक्स प्लस अंडर रूट, ये है एक्स स्क्वायर और फिर इसके बाद वाई स्क्वायर। तो अब देखते हैं यहाँ पर y के जगह पे हम वी एक्स कर दें, तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर देख रहे हैं यक्स है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा वी प्लस यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजकल टू, ये हो गया आपका वी एक्स और प्लस, देखिए यहाँ यक्स स्क्वायर है, तो यक्स स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे
तो रूट उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये यक्स हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, देखें यहाँ यक्स आ गया, और ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन यक्स। फिर क्या होगा, ऊपर से यक्स कामन ले लें और ऊपर वाले यक्स से नीचे वाले यक्स को हम कटा देते हैं, फिर ये हो जाएगा भी प्लस यक्स डी भी अपॉन डी यक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका भी प्लस अंडर रूट वन प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखें यहाँ भी से भी कैंसिल हो जाएगा, अब ये मिलेगा आपको, देखें ये मिलेगा आपको यक्स डी भी अपॉन डी यक्स, और फिर इसके बाद का स्टेप देखें आप, ये हो गया आपका यक्स डी भी अपॉन डी यक्स, तो यक्स डी भी अपॉन डी यक्स में इसको देखा जाए तो अब देखते हैं ये एक्स डी भी अपॉन डी यक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर। अब हम पश्चांतर करते हैं डी भी की तरफ भी और फिर डी एक्स की तरफ यक्स कर देंगे, तो वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर डी भी इजकल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन यक्स डी भी हो सॉरी यक्स डी एक्स हो जाएगा यहाँ। और चलिए इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, लॉग भी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा लॉग एक्स इजकल टू लॉग एक्स, और फिर इसके बाद हम कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे, तो देखिए कांस्टेंट को हम चाहे तो लॉग के रूप में भी जोड़ सकते हैं, कांस्टेंट यहाँ लॉग सी भी हो सकता है और केवल आप चाहें तो सी भी जोड़ सकते हैं। फिर देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग भी प्लस अंडर रूट वन प्लस भी स्क्वायर और इजकल टू यहाँ पर लॉग एम प्लस लॉग एन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका लॉग सी एक्स। अब हम चाहें तो दोनों तरफ से लॉग हटा सकते हैं, तो दोनों तरफ से लॉग हटा देंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका भी प्लस अंडर रूट वन प्लस भी स्क्वायर इजकल टू सी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम भी की वैल्यू रख दें तो भी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वाई बाई एक्स हो जाएगा, ये हो गया आपका वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट भी के जगह पे वाई बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी एक्स। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लें तो फिर देखें ये वैल्यू क्या मिलेगी, वाई बाई एक्स प्लस देखें ये क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हम लेंगे तो यक्स हो जाएगा और ये इजक्वल टू हो जाएगा सी यक्स। अब हम चाहें तो दोनों पक्षों में यक्स का गुणा कर सकते हैं, तो अगर दोनों पक्षों में हम यक्स का गुणा कर दें तो वाई प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इजकल टू हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर। आप अगर चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, या आप जिस रूप में चाहें उस रूप में आप इसको कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन को, क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया हुआ है एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स और इन ब्रैकेट फिर इसके बाद वाई डी एक्स और फिर ये है इज इक्वल टू वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड एक्स डी वाई। तो अब यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पहले निकालें, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा, तो फिर देखें क्या मिलेगा आपको, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जो है आ जाएगा लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये मिलेगा आपका यक्स कास वाई बाई एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई साइन वाई बाई एक्स और ये हो गया वाई अपान हो जाएगा ये वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस हो जाएगा आपका
यक्स कॉस वाई बाई यक्स, ये हो जाएगा और यहाँ है यक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकाले हैं तो डी एक्स चला गया है यहाँ और फिर ये पूरा आ गया है लेफ्ट में आ गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ एक्स का पावर वन है, कॉस साइन जो होता है ये रेशियो होता है, इसका पावर नहीं देखा जाता है। तो यहाँ यक्स का पावर वन, वाई का पावर वन यानी पावर वन है, और फिर यहाँ भी पावर वन है यानी अंश का पावर टू हो गया। अब इसी तरह से हम हर पे आ जाएं तो वाई का पावर वन है, एक्स का पावर वन है, और फिर यहाँ पावर वन यानी टू हो जाएगा। तो अंश का पावर भी दो है और हर का पावर भी दो है, अतः दिया गया जो समीकरण है यह समघाती अवकल समीकरण है। और अगर ये समघाती अवकल समीकरण है तो फिर हमको मालूम है यहाँ पर y इज इक्वल टू वी एक्स कर लेंगे और फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, या चलिए हम इधर इस साइड में नीचे लिख देते हैं, तो y इज इक्वल टू जो होगा यह वी एक्स हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स, ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। चलिए वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर, पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा वी प्लस यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजक्वल टू, फिर देखिए क्या मिलेगा यहाँ यक्स, और ये हो जाएगा कास वाई के जगह पे वी एक्स अपॉन यक्स, और फिर वाई के जगह पे हो जाएगा वी एक्स साइन, ये हो जाएगा आपका वी एक्स अपॉन यक्स, और फिर ब्रैकेट के बाद y के जगह पे हो जाएगा vx। फिर हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आती है। तो ये हो जाएगा आपका y के जगह पे vx sin, ये हो जाएगा vx अपॉन x माइनस x cos y के जगह पे vx अपॉन x, और फिर इसके बाद हो जाएगा ये आपका यक्स हो जाएगा। तो देखें हम एक काम करते हैं, यक्स से यक्स कैंसिल कर देते हैं, यक्स से यक्स कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ से यक्स कैंसिल, इस यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या मिल रहा है आपको, भी प्लस यक्स डी भी अपॉन डी एक्स इजक्वल टू, यहाँ पर है यक्स कास भी और प्लस है वी एक्स साइन भी। फिर यहाँ अगर हम लोग देखें तो मिलेगा आपको वी एक्स साइन भी और माइनस हो जाएगा यक्स कॉस भी। अब देखें यहाँ अंश में से यक्स कामन ले लीजिए, हर में से यक्स कामन ले लीजिए, तो यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस यक्स को हम यहाँ हटा देते हैं, यक्स कैंसिल हो गया, अंश में से यक्स कामन लिए, हर में से यक्स कामन लिए, यक्स से यक्स कट कैंसिल हो गया। अब ये हो गया यक्स डी भी अपॉन डी एक्स इजकल टू, भी को हम राइट साइड में ले जाते हैं, और फिर ये हो जाएगा आपका यहाँ पर देखें ये बाहर जो है भी छुटा हुआ है, ये बाहर भी छुटा हुआ है, ठीक है ना। तो अब जो है फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा आपका, तो बल्कि हम यहाँ पर इस भी का हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं अंदर की तरफ, तो देखिए इस भी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका भी कॉस भी और प्लस हो जाएगा भी स्क्वायर साइन भी अपान हो जाएगा भी साइन भी और माइनस है कॉस भी, और फिर भी को हम राइट साइड में लेकर के चले गए हैं तो ये आ गया माइनस भी। अब इसको हम सॉल्व करें, एक स्टेप और ले जाएं, तो ये यक्स डी भी अपॉन डी एक्स इजक्वल टू देखे क्या मिलेगा आपको, ये हो गया आपको भी कॉस भी प्लस भी स्क्वायर साइन भी, और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखे क्या मिल रहा है,
वी स्क्वायर साइन वी और फिर प्लस हो जाएगा ये आपका वी कॉस वी और फिर ये अपान हो जाएगा ये आपका देखें यहाँ पर हो जाएगा वी साइन वी माइनस हो जाएगा कॉस वी। अब देखिए क्या है वी स्क्वायर साइन वी से वी स्क्वायर साइन वी कैंसिल हो जाएगा। अब एक स्टेप हम राइट साइड में लिखते हैं इसके बाद फिर देखा जाएगा आगे। ये यहाँ पर मिलेगा आपका यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू देखिए क्या मिल रहा है ये है आपका वी कॉस वी भी कॉस भी और यहाँ भी कॉस भी है दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टू भी कॉस भी और फिर नीचे आप जो देख रहे हैं ये है आपका भी साइन भी और माइनस हो जाएगा आपका कॉस भी क्या है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखें ये आपको यक्स डी भी अपॉन डी एक्स मिल गया है और फिर ये टू भी कॉस भी हो गया और नीचे भी साइन भी माइनस कॉस भी हो गया। अब भी को हम करेंगे एक तरफ भी को डी वी की तरफ करेंगे यक्स को डी एक्स की तरफ करेंगे देखिए क्या मिलेगा ये हो गया आपका भी साइन भी माइनस कॉस भी और नीचे हो जाएगा ये आपका टू भी और ये हो गया कॉस भी डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन यक्स डी एक्स। अब हम यहाँ से दो बाहर लेकर के भी कॉस भी से हम भाग दे देते हैं तो देखें ये हो गया वन बाई टू और ये हो जाएगा भी साइन भी अपॉन भी कॉस भी और माइनस हो गया कॉस भी अपॉन भी कॉस भी ये हो गया डी भी इजकल टू वन अपॉन यक्स डी एक्स। फिर देखें क्या मिलेगा आपको यहाँ से भी कैंसिल हो गया कॉस भी से कॉस भी कैंसिल हो गया ये हो गया आपका वन बाई टू और ये देखें साइन अपॉन कॉस जो होगा ये टेन हो जाएगा ये हो गया आपका टेन भी माइनस वन अपॉन भी डी भी इजकल टू वन अपॉन यक्स डी एक्स। अब हम दोनों पक्षों का अगर इंटीग्रेशन कर दें तो देखें इंटीग्रेशन के बाद आपको क्या मिल रहा है ये हो गया वन बाई टू इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका टेन भी डी भी और माइनस फिर हो गया वन बाई टू इंटीग्रेशन वन अपॉन भी डी भी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन यक्स डी एक्स। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करें देखिए अब इसको हम जो है यहाँ राइट साइड में सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है हम सबका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो देखें आपको मालूम है कि टेन यक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये टेन यक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है ये होता है आपका लॉग सेक यक्स होता है टेन यक्स का तो ये हो जाएगा आपका देखिए ये वन बाई टू और ये हो जाएगा लॉग सेक भी हो जाएगा और माइनस ये है वन बाई टू और वन अपॉन भी का भी लॉग भी हो जाएगा ये हो गया लॉग भी और इज इक्वल टू वन अपॉन यक्स का हो जाएगा लॉग यक्स और प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे तो कांस्टेंट आप चाहें तो जोड़ सकते हैं लॉग सी। फिर देखें यहाँ पर वन बाई टू हम लोगों को बाहर ले लेना ही अच्छा होगा तो अगर वन बाई टू को हम बाहर ले लें तो लॉग सेक भी माइनस हो जाएगा लॉग भी लॉग यम माइनस लॉग यम अपॉन यन हो जाएगा तो ये हो गया लॉग सेक भी अपॉन भी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका लॉग सी यक्स हो जाएगा। अब देखिए ये जो वन बाई टू है इस वन बाई टू को भी अगर हम चाहें तो यहाँ रूट में ला सकते हैं
तो अगर रूट में आ जाएगा तो दोनों तरफ से हम लाग हटा दें, तो लाग अगर हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक वी अपॉन वी इज इक्वल टू सी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रख देंगे वी की वैल्यू, वी इज इक्वल टू हो जाएगा वाई बाई एक्स, तो फिर देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया सेक वाई बाई एक्स अपॉन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सी एक्स। तो अब अगर हम चाहें तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पर देखिए ये जो रूट है ये रूट आपका छुटा हुआ है, और फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं फिर क्या वैल्यू मिलती है। तो अब ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका यक्स अपॉन वाई हो जाएगा। देखिए ये ऊपर जाकर के हो जाएगा यक्स अपॉन वाई, और ये हो जाएगा सेक वाई बाई यक्स इज इक्वल टू सी एक्स हो जाएगा। अब अगर हम चाहें तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। अच्छा अगर इसका हम स्क्वायर कर देते तो रूट हट जाता, देखिए स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, और सेक को हम चाहें तो वन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस वाई बाई यक्स, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर यक्स स्क्वायर। तो फिर जो है अगर यक्स से इस स्क्वायर को हम कैंसिल कर दें, तो अगर हम जो है कैंसिल कर देते हैं तो फिर देखें क्या मिलेगा आपको, हम चाहे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो अब जो है इसको हम देखें, ये हो जाएगा आपका वन अपॉन कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब या तो इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर वाई कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू वन, या जिस रूप में आप करेंगे उस रूप में ये सॉल्व हो जाएगा। और इस प्रकार आप जो है ये देखें, तो ठीक है ये सी स्क्वायर एक्स, यहाँ एक्स आ जाएगा ये सी स्क्वायर एक्स। अब जो है ये अब अगर आप यहाँ लाग सी जोड़ेंगे तो इसके फॉर्म में होगा, और लाग सी नहीं जोड़ करके सी जोड़ेंगे तो दूसरे फॉर्म में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। इन सब का आंसर इस रूप में डिपेंड करता है कि आप कांस्टेंट को कैसे जोड़ रहे हैं, सी के रूप में जोड़ रहे हैं कि लॉग सी के रूप में जोड़ रहे हैं, और दोनों रूप में ये सही होता है, जिस रूप में चाहें उस रूप में रख के सॉल्व कीजिए, आंसर आपका भले आपके बुक से आंसर मैच ना करे लेकिन आपका आंसर सही होता है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और फिर ये दिया हुआ है आपको प्लस एक्स साइन y बाई यक्स इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ से भी हम लोग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें और देखें कि ये समघाती है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका यक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये सब राइट साइड में हम लेके जाते हैं तो राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस हो जाएगा यक्स साइन, ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, और ये जो एक्स है इस एक्स को हम राइट साइड में ला देंगे तो यहाँ हो जाएगा अपॉन एक्स। तो देखिए आप जरा यहाँ भी अंश का पावर एक है और हर का पावर एक है, वन है, साइन का स्टैन से का पावर नहीं यहाँ काउंट किया जाता है।
तो अंश का पावर और हर का पावर, दोनों का पावर एक समान है और वह एक है। इसलिए ये जो दिया गया अवकल समीकरण है, यह समघाती अवकल समीकरण है, और समघाती अवकल समीकरण है तो ये मेथड अप्लाई होगा, y इजकल टू वी एक्स, और फिर dy वाई बाई डी एक्स इजकल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। चलिए रखते हैं यहाँ पर, तो v प्लस ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स, और फिर ये मिलेगा y के जगह पे वी एक्स माइनस एक्स, और साइन y के जगह पर वी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ये हो गया अपॉन एक्स। फिर देखिए क्या मिलेगा, x से x कैंसिल हो गया, अब ये हो गया आपका v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजक्वल टू, चलिए देखिए ये हो जाएगा आपका v माइनस, देखिए x से हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो x से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये x कैंसिल हो गया v, और माइनस ये x कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस साइन v, और फिर यहाँ v से v कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x डी वी अपॉन डी एक्स इजक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस साइन v। अब हम v को डी वी की तरफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन v dv, और ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x dx। अच्छा ये जो साइन भी है, इस साइन भी को हम चाहें तो ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो ऊपर हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक भी हो जाएगा, और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है, तो ये साइन भी ऊपर जाने के बाद हो जाएगा कोसेक भी, और फिर ये हो जाएगा डी वी, और फिर ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसके बाद जो है हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन ले लेते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं और देखते हैं दोनों पक्षों का समाकलन, यहाँ हम समाकलन ले लिए, और फिर आपको मालूम है कि कोसेक वी का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है लॉग, और ये हो जाएगा कोसेक वी, और माइनस हो जाएगा कॉट वी, और फिर इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये लॉग एक्स, लॉग एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट भी हम जोड़ रहे हैं लॉग सी के फॉर्म में, ये याद रखे रहिए, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ कॉन्स्टेंट सी जोड़ेंगे कि लॉग सी जोड़ेंगे, अगर सी जोड़ के सॉल्व करेंगे तो भी आपका सही आएगा, और लॉग सी जोड़ करके सॉल्व करेंगे तो भी आपका सही आएगा। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ हम राइट साइड में देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका लॉग, और ये है कोसेक भी माइनस हो जाएगा कॉट भी, और देखिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉग एम माइनस लॉग एन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग सी अपॉन एक्स हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा, और फिर देखिए दोनों तरफ से लॉग हटा देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक वी माइनस कॉट वी इज इक्वल टू सी बाई एक्स हो गया। आप वी की वैल्यू रख दें, वी की वैल्यू वाई बाई एक्स होगी, तो ये हो गया आपका कोसेक वाई बाई एक्स, और माइनस हो जाएगा आपका कॉट वाई बाई एक्स इजक्वल टू सी एक्स हो जाएगा। अब हम यक्स से चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका कोसेक वाई बाई एक्स, और माइनस हो जाएगा कॉट वाई बाई एक्स इजकल टू सी। आप अगर यहीं पर छोड़ देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, यहाँ y डी एक्स और प्लस एक्स लॉग वाई बाई एक्स डी वाई माइनस टू एक्स डी वाई इजकल टू जीरो दिया हुआ है,
तो यहाँ पर हम जो है डी वाई को एक तरफ कर देते हैं और फिर देखें क्या मिलता है, वाई टी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स डी वाई को हम इन दोनों को राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका देखें यक्स टू यक्स डी वाई और माइनस हो जाएगा यक्स लॉग वाई बाई यक्स डी वाई हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से डी वाई कॉमन ले लिया जाए, देखें ये माइनस टू यक्स डी वाई को हम राइट में ले गए हैं और फिर इसको भी राइट में ले गए हैं, माइनस हो गया है। और फिर अब देखें आप यहाँ पर ये हो जाएगा वाई डी एक्स, वाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से यक्स डी वाई कॉमन लिया जा सकता है, या चलिए यक्स रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा टू यक्स और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस, देखें 2x और ये हो जाएगा माइनस यक्स लॉग y बाई यक्स और फिर ये हो जाएगा यहाँ पर dy। अब dy को हम चाहें तो ला सकते हैं लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2x माइनस यक्स लॉग, ये हो जाएगा आपका y बाई यक्स और अपान हो जाएगा ये वाई। अब देखिए यह डी एक्स अपान डी वाई के रूप में है, ये दूसरे टाइप का, ये जो है दूसरे टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है हम लोगों को मानना पड़ेगा, हम वाई इजकल टू पहले जो है वाई इजकल टू वी एक्स मानते थे, लेकिन अब हम यक्स इजकल टू वी वाई मानेंगे। जब देखिए जब डी वाई अपॉन डी एक्स रहता है तो वाई इजकल टू वी एक्स मानते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई है तो यहाँ पर यक्स इजकल टू हम वी वाई मानेंगे और यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इजक्वल टू प्रथम फलन दूसरे का अवकलन और धन हो जाएगा दूसरा फलन पहले का अवकलन डी वी अपॉन डी वाई हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको आप हमेशा याद रखे रहेंगे यह डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में है, तो जब डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में होता है तो ये दूसरे टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब चलिए यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, फिर ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू टू और यक्स के जगह पे हो जाएगा भी वाई माइनस, यहाँ भी हो जाएगा आपका भी वाई और फिर ये हो जाएगा लॉग, देखे यहाँ पर वाई अपॉन यक्स के जगह पे हो जाएगा भी वाई और फिर यहाँ नीचे ये वाई है तो वाई से हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो देखें वाई से वाई कैंसिल हो गया और फिर देखें क्या मिलता है, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ये हो गया टू वी वाई और माइनस हो गया वी वाई लॉग वन अपॉन वी और अपॉन हो जाएगा वाई। अब देखें क्या करेंगे हम जो है ऊपर से यानी अंश में से y कामन ले लेते हैं और अंश से y कामन लेकर के हर को हम कटा देते हैं, फिर देखिए क्या मिलेगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका टू भी और फिर देखिए क्या मिलेगा आपको और माइनस हो जाएगा भी और ये हो जाएगा लॉग वन अपॉन भी और y से y तो कैंसिल हो गया है। डी एक्स अपॉन डी वाई की भी वैल्यू हमको रखना चाहिए था, डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू हम नहीं रखे हैं, देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू हम ऐसे उतारते गए यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका भी प्लस हो जाएगा वाई डी भी अपॉन डी वाई,
तो एक स्टेप और हम यहाँ अगर ले जाएं तो v प्लस हो जाएगा वाई डी वी अपॉन डी वाई हो जाएगा। एक स्टेप और इसके बाद जो है ये हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। अब देखें फिर क्या मिलेगा, अब हम जो है भी को इस भी को भी हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो भी को राइट साइड में ले जाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, वाई डी भी अपॉन डी वाई इजकल टू टू भी माइनस भी हो जाएगा, तो टू भी माइनस भी होगा तो भी हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा आपका भी लॉग वन अपॉन भी हो जाएगा। अब इसके बाद इसको आगे हम लोग सॉल्व करें, अच्छा अगर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये लॉग वन अपॉन भी है ना, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, देखिए क्या मिलेगा, वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ये हो गया भी माइनस भी, और ज़रा देखिए ये लॉग वन अपॉन भी है, इसको हम चाहे तो लिख देते लॉग वन और माइनस लिख देते लॉग भी, तो लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, ये हो जाएगा आपका जीरो और फिर मिलेगा वाई डी भी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ये हो गया भी और माइनस इनटू माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका भी लॉग भी हो जाएगा। अब देखें हम क्या करें कि इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको अगर हम एक तरफ कर लें देखें यानी डी वी के तरफ भी कर लें और वाई के तरफ डी वाई कर लें तो ये मिलेगा आपको वन अपॉन भी प्लस भी लॉग वी और डी वी इजक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई। इसमें से हम भी कॉमन ले सकते हैं, तो अगर भी कॉमन ले लेंगे तो वन अपॉन भी वन प्लस हो जाएगा लॉग वी डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई। हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर वन प्लस लॉग वी को अगर हम टी एज्यूम कर लें, टी मान लें, वन प्लस लॉग वी इज इक्वल टू टी, तो चलिए इसका अवकलन कर लिया जाए तो वन का जीरो हो जाएगा, लॉग वी का वन अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी, तो देखिए वन अपॉन वी डी वी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन, देखिए वन अपॉन वी डी वी के जगह पे डी टी हो जाएगा वन प्लस लॉग वी टी और ये हो जाएगा डी टी इजकल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन वाई डी वाई। अब चलिए अब नेक्स्ट स्टेप हम जो है लेफ्ट साइड में कर देते हैं और देखिए लेफ्ट साइड में करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ से, सॉरी इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो वन अपॉन टी का हो जाएगा लॉग टी और ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई हो जाएगा और फिर ये हो गया आपका देखिए वन अपॉन वाई का लॉग वाई हो जाएगा और फिर यहाँ पर हम कांस्टेंट जोड़ देते हैं और यहाँ भी कांस्टेंट जोड़ देने हैं लॉग सी। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ कि लॉग सी जोड़ेंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर मिले न मिले इसके चक्कर में बहुत नहीं पड़ना है। तो अब ये हो जाएगा आपका लॉग टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका लॉग सी वाई, दोनों तरफ से लॉग हटा दीजिए तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू सी वाई। अब टी की वैल्यू हम रखते हैं, टी की वैल्यू है वन प्लस लॉग भी, ये हो जाएगा वन प्लस लॉग भी और इज इक्वल टू हो जाएगा सी वाई। अब हम भी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं और भी की वैल्यू देखिए क्या मिलेगा, भी की वैल्यू निकालेंगे तो यक्स अपान वाई हो जाएगा, रख देते हैं यहाँ पर तो ये वन प्लस लॉग यक्स अपान
एक्स अपॉन वाई और ये इज इक्वल टू हो जाएगा सी वाई। अब या तो वन को राइट में लेकर जाएं तो आप अगर यहाँ छोड़ देते हैं तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, नहीं अगर एक दो स्टेप और आगे ले जाना चाहें तो ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वन को राइट साइड में लेकर चले जाइए सी वाई माइनस वन हो जाएगा और फिर यहाँ से एक्स अपॉन वाई की वैल्यू अगर निकाल दें तो यह ई के पावर के रूप में हो जाएगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं फिर आगे आप बढ़ते जाइए तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपान वाई इजकल टू ई टू दी पावर सी वाई माइनस वन भी हो जाएगा और वाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो एक्स इजकल टू वाई ई टू दी पावर सी वाई माइनस वन। आप जहाँ चाहें अगर आप यहाँ छोड़ देंगे तो भी ठीक है, यहाँ छोड़ देंगे तो भी ठीक है, जहाँ चाहें वहाँ आप छोड़ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 1 + e^x / y dx प्लस ई टू दी पावर यक्स अपान वाई वन माइनस यक्स अपान वाई डी वाई इजकल टू जीरो। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 1 + e^x / y dx इज इक्वल टू इसको राइट साइड में लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा -e^x / y और ये हो जाएगा 1 - x / y dy। अच्छा यहाँ भी चाहे तो हम dx / dy ही कर सकते हैं, चलिए dy लेफ्ट में लाते हैं तो ये हो जाएगा dx / dy इजकल टू -e^x / y 1 - x / y और अपान हो जाएगा 1 + e^x / y। तो अब जो है यहाँ पर भी हम लोग ये dx / dy के फॉर्म में है और ये भी ये जो है समघाती अवकल समीकरण है क्योंकि यहाँ पर अंश का पावर भी कुछ नहीं आ रहा है, हर का पावर भी कुछ नहीं आ रहा है तो इसलिए ये समघाती अवकल समीकरण है। और यहाँ भी x इजकल टू भी वाई कर दीजिए और फिर रखते हैं वैल्यू हम dx / dy की वैल्यू v + y dv / dx इजकल टू -e^x के जगह पे भी वाई अपान हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा 1 - ये हो गया भी वाई अपॉन वाई और फिर देखें क्या मिलेगा आपको 1 + यहाँ देखें ये हो जाएगा e^v y / y हो जाएगा और फिर देखें इसको सॉल्व करते हैं y से y कैंसिल हो गया फिर क्या मिल रहा है यहाँ पर ये हो गया v + y dv / dx इजकल टू ये हो गया -e^v और ये हो गया 1 - v और फिर यहाँ मिलेगा नीचे 1 + e^v। अब इस भी को हम राइट साइड में लेकर चले जाते हैं तो देखिए राइट साइड में ले जाएंगे क्या मिलेगा y dv / dx इजकल टू यहाँ हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -e^v और प्लस हो जाएगा v e^v अपान हो जाएगा 1 + e^v और माइनस हो जाएगा भी। चलिए फिर इसको सॉल्व करते एक स्टेप और यहाँ तो y dv / dx इजकल टू -e^v और प्लस हो जाएगा v e^v। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -v और फिर ये हो जाएगा -v e^v अपान हो जाएगा आपका 1 + e^v। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ देखें v e^v से v e^v कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ क्या मिल रहा है देखें ये हो गया dv / dy होगा
देखिए डी भी अपॉन डी वाई हो गया, तो अब ये हो जाएगा वाई डी भी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, देखें ये है माइनस ई टू दी पावर भी और माइनस हो जाएगा भी, और फिर यहाँ क्या मिलेगा आपको, देखें ये हो गया आपका वन प्लस ई टू दी पावर भी। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे भी को डी भी के तरफ, वाई को डी वाई के तरफ, तो ये हो जाएगा वन प्लस ई टू दी पावर भी अपॉन ये हो जाएगा माइनस, देखें e टू दी पावर भी, और फिर ये हो जाएगा आपका प्लस वी, और ये हो गया डी भी इजक्ल टू, ये हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई। तो अब जो है अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन हम चाहे तो इस माइनस को इधर कर सकते हैं, दोनों साइड का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो जाएगा भी प्लस ई टू दी पावर भी को हम टी मान लेते हैं, टी एज्यूम कर लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा वन ई टू दी पावर भी का ई टू दी पावर भी, और फिर भी का हो जाएगा डी भी इजकल टू हो जाएगा डी टी। फिर देखें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन ये हो जाएगा, इसके जगह पे हम टी कर दिए, और ये हो गया आपका वन प्लस ई टू दी पावर भी डी वी के जगह पे हो जाएगा डी टी, और फिर ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन वाई डी वाई। हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा वन बाई टी का लॉग टी हो जाएगा इजकल टू हो जाएगा माइनस लॉग वाई, और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट लॉग सी हो जाएगा। फिर एक स्टेप और हम करते हैं, यहाँ पर लॉग टी इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग सी अपॉन वाई। अब दोनों तरफ से लॉग हटा दीजिए, तो दोनों तरफ से जब लॉग हटा देंगे तो फिर देखें वैल्यू क्या मिल रही है आपको, तो ये मिलेगा आपको टी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। अब यहाँ पर हम पहले t की वैल्यू रखें, तो t के जगह पे हो जाएगा आपका v प्लस e टू दी पावर v और इजकल टू हो जाएगा c अपान y। अब यहाँ पर v की वैल्यू रख देंगे x अपान y, v के जगह पे x अपान y प्लस ये हो जाएगा e टू दी पावर x अपान y इजकल टू c टू दी पावर y। अगर दोनों साइड में हम y से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई ई टू दी पावर x अपॉन वाई और इजकल टू हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंट c। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व होता है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 तो आपका सॉल्व ही होता है। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 हम लोग देखे हैं। ये सभी क्वेश्चन आप सबको समझ में आए हैं ना? चलिए आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार करें, और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।